आया हुआ है क्या कि अगर आप यहाँ पर कुछ गलत सिलेक्ट कर देते हो तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी का स्वागत है शिवानी अमलपुर ऑफिशियल में। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी बढ़िया होगे, व्यस्त होगे, मस्त होगे एंड स्वस्थ होगे। गाइज, एक आप लोग ये साइड में स्क्रीनशॉट देखो गाइज, अलर्टेड कंटेंट ये सभी को बहुत दिन पहले मिल गया और इसका सभी को पता हो गया कि आपको अपने चैनल पर क्या सिलेक्ट करना है, क्या नहीं सिलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बहुत ही बड़ा चीज आया हुआ है क्या कि अगर आप यहाँ पर कुछ गलत सिलेक्ट कर देते हो तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है, या फिर आप नहीं सिलेक्ट करते हो तब भी आपके चैनल पर चैनल डिलीट हो सकता है, आपका चैनल पर स्ट्राइक आ सकता है, बिना किसी कारण के आपके चैनल को यूट्यूब से रिमूव किया जा सकता है। अगर आपके चैनल पर भी आपके भी वाईटी स्टूडियो में ये अलर्टेड कंटेंट शो होता है और इसमें आपको यस और नो हर एक वीडियो में सिलेक्ट करने को आता है, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई, आंखें खोल के देखो और कान भी खोल लेना, ध्यान से सुन लेना कि आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना अच्छा खासा मेहनत आपका डूब जाएगा। आप जितना भी मेहनत कर रहे हो चैनल के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक गलती से आपका चैनल यूट्यूब से गायब हो जाएगा। ऐसा हुआ है इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ, वरना मैं इस वीडियो को कभी भी नहीं लेकर आती। ऐसा हुआ कि एक चैनल इस वजह से डिलीट हो गया। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएं, उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे कि हर पर्सन को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो अपना चैनल बचा पाए। फर्स्ट चीज गाइज, यहाँ पर ना लोगों को पता ही नहीं रहता है कि हम अपने चैनल पर इसमें क्या सिलेक्ट करें, जो अलर्टेड कंटेंट है इसमें क्या सिलेक्ट करें। आप लोगों में 100 में गाइज 80% लोग ऐसे हैं जिनको सही तरीका ही नहीं पता है। पता भी हो गया, सिलेक्ट भी कर लिया, लेकिन फिर भी मन में एक कहीं ना कहीं डाउट है कि आपका ये मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपके सारे डाउट क्लियर करती हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी का सॉन्ग लेते हो, सिंपल सा अपने बैकग्राउंड वीडियो में कोई सॉन्ग म्यूजिक लेते हो, तब आप क्या सिलेक्ट करोगे, या फिर आप ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हो तब आप यहाँ पर क्या सिलेक्ट करोगे, किसी और का वीडियो आपका वॉइस तब आप क्या सिलेक्ट करोगे, या फिर किसी और का वॉइस और आपका वीडियो। ये मतलब जब ऐसी सिचुएशन आती है तब यहाँ पर लोग गड़बड़ा जाते हैं और गलत सिलेक्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग चालाकी दिखाते हैं कि हम सिलेक्ट ही नहीं करेंगे तो भैया हमारा क्या हो जाएगा। जब सिलेक्ट नहीं करोगे तब तो 100% चैनल जाना है। देखिए दोस्तों, अगर आप अपना ब्लॉग वीडियो बनाते हो, अपना खुद का कंटेंट बनाते हो, म्यूजिक नहीं लेते हो, कुछ भी किसी का नहीं लेते हो, अपना वीडियो बनाते हो, एडिट करते हो, डालते हो, इस सिचुएशन में गाइज आपको यहाँ पर यस बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है। जब आपका पूरा खुद का कंटेंट हो तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आपका वीडियो है, आपने पूरा वीडियो बनाया, लेकिन जो यूट्यूब का नो कॉपीराइट सॉन्ग होता है उस सॉन्ग को यूज किया और आपने बैकग्राउंड में लगा दिया, नो कॉपीराइट सॉन्ग, ध्यान से सुनिएगा, जब आप नो कॉपीराइट सॉन्ग यूज करते हैं तब उस सिचुएशन में भी आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है, यस बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप अपने चैनल पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हो तो आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हो, जैसे कि किसी का साइड में वीडियो चल रहा है, आप उस पे रिएक्शन दे रहे हो या अपना वॉइस दे रहे हो या ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब भी आपको यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है, यस बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है। अब भाई, सब में जब नो सिलेक्ट करना है तो यस किस में करना है? रुको, जरा ठहर जाओ भाई, गलती बिल्कुल मत करना। आप कोई भी सॉन्ग लो तब भी आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है, कोई भी म्यूजिक, कोई भी सॉन्ग, किसी का भी वीडियो लो, यहाँ पर आपको नो ही सिलेक्ट करना है। पहले डाउट सारे क्लियर हो गए आपके। अब बात कर लेते हैं, अगर आप चैट जीपीटी से अपना स्क्रिप्ट लिखते हो या आप चैट जीपीटी एआई के थ्रू उस पे बुलवाते हो, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी
एआई से फोटो बनवाना। अगर आप एआई से फोटो बनवाते हो या फिर गूगल से डाउनलोड करते हो, लेकिन वो फोटो वो वीडियो एआई के थ्रू बना हुआ है, आपको पता है या नहीं पता वो आप अपना खुद जांचिए कि हम कहां से वीडियो फोटो ले रहे हैं। कहीं से फोटो वीडियो ले रहे हो, अगर वो फोटो वीडियो आपका एआई से उठाया गया है, एआई के थ्रू क्रिएट किया गया है, तब आपको यहां पर यस सिलेक्ट करना है। अगर यहां पर आप नो सिलेक्ट कर दोगे तो ये आपके चैनल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आपका एक मिस्टेक और चैनल उड़ सकता है। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ कि एक पर्सन एआई के वीडियो पर, मतलब पूरा वीडियो उसका रहता था लेकिन जो वॉइस है वो एआई का लेता था। जैसे कि एक ही एआई का वीडियो लो या एक ही एआई का वॉइस लो या फिर वीडियो बना रखो लेकिन एक एआई का या अलग अलग एआई का वॉइस लो, लेकिन आप वहां पर सिलेक्ट कर देते हो नो, तो आपके चैनल पकड़ा गया। जब पकड़ा जाए, ऐसा नहीं आज आपने किया तो आज ही पकड़ जाएगा। जब भी YouTube की नजर में आ गया आपका चैनल, बिना किसी रीजन बताए हुए यूट्यूब से गायब हो जाएगा। आप सोचते रह जाओगे, भाई आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया, मेरा चैनल यूट्यूब से क्यों डिलीट किया, कोई मुझे इसका रीजन तो बता दे। लेकिन आपको कोई भी इसका रीजन नहीं बताएगा। आप दोनों चीज यूज करो, एआई का वॉइस, एआई का जो होता है फोटो वीडियो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आप यहाँ पर यस सिलेक्ट कर देना, यस सिलेक्ट कर दो। YouTube मना नहीं करता है कि आप AI की वीडियो ना बनाओ, AI का वॉइस मत लो। भाई AI का वॉइस लो, AI की वीडियो बनाओ, लेकिन YouTube को बता के, बिना उसकी मर्जी के करोगे तो भाई YouTube आपको यहां से गायब कर देगा, आपका अस्तित्व मिट जाएगा कि YouTube पे आपका चैनल भी था। आप YouTube पर जितना भी वीडियो AI के थ्रू बनाते हो, 1, 2, 4, 10 जितना भी AI के थ्रू बनाते हो, आपका पूरा चैनल ही AI का है, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर कोई भी किसी भी कैटेगरी का वीडियो हो, कुछ भी हो, अगर आप AI का यूज नहीं करते हो, तब आपको यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है। चाहे ग्रीन स्क्रीन बनाओ, चाहे कोलाब वीडियो बनाओ, चाहे म्यूजिक लो वीडियो में, चाहे किसी और का वीडियो लो, चाहे कुछ भी करो, बस आप अगर AI का यूज नहीं करते हो, AI के थ्रू यहाँ पर कुछ किसी का वॉइस जनरेट, किसी का वीडियो जनरेट नहीं करते हो, तो आप यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं, बहुत से लोग कहते हैं अगर हम सिलेक्ट ही ना करें तो। देखो भाई, सिलेक्ट कर लोगे तो 1-2% चांस रहता है कि आप बच जाओ उस चीज से, कि हाँ हमारा चैनल पर कुछ तो सिलेक्ट है, बच सकते हो। गलत सिलेक्ट है फिर भी बच सकते हो, लेकिन अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो भाई अगर आपका चैनल 10 दिन चलने वाला होगा ना, तो आपका चैनल 2 दिन में ही डिलीट कर दिया जाएगा। यूट्यूब जो भी सेटिंग देता है और जो भी नई अपडेट लेकर आता है, उसमें उसे चाहिए कि हम जो पूछ रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा। आप उसको समझाइए, जैसा आपका कंटेंट है वैसा यस या नो में सिलेक्ट करिए। अगर आप लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे तो चैनल डिलीट होगा। ऐसा ही हुआ, कुछ एक सब्सक्राइबर है मेरे जिनका चैनल इस वजह से डिलीट हुआ। वो बहुत रो रहे थे, कह रहे थे भाई पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन कारण यही था कि नहीं सिलेक्ट किया, इस वजह से चैनल हुआ डिलीट। अब दोस्तों आप लोग ऐसी गलती ना करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के साथ ऐसा गलती या ऐसा टाइम आए कि उनको रोना पड़े। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि हर एक इंसान का चैनल बच सके। हेल्प करो, आपको भगवान हेल्प करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले प्लीज आप लोग मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो करिएगा, टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करो, ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करवाती हूँ टेलीग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।